हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए पनीर की सिंपल सी सब्ज़ी लेके आई हूँ, जो मैं नॉर्मली पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। हाँ, तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, और चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं या कच्ची मिर्च है, आपके मर्जी की मर्ज़ी पर है। पर मैं सिंपल ही बनाती हूँ हमेशा और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं तेल डाल दी हूँ और इसमें फ़ौरन में से राई और जीरा डाली हूँ और मिर्च भी नहीं डाली, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इसकी सब्ज़ी है। तो और मिर्च डाल के तीखी बनाने से अच्छा है कि आप इसे कम तीखा बनाना पसंद करें। तो प्याज को मैं छोला छोला काट कर इसको भूंज रही हूँ। और यहाँ पे आप चाहते हैं तो टमाटर और अनियन का प्यूरी भी बना के आप डाल सकते हैं। आप बहुत सारा वैरायटी है, काजू पीस के डालिए वगैरह, अलाना फलाना, वो सब फलाना अलाना नहीं करना। हमें सिंपल सी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि भाई हम लोग मिडिल क्लास है, हमें उतना बना के नहीं खाना, हमें ऐसे ही बना के खाना है और हमें खिलाना भी है। उतना झंझट को देख के दिमाग चस्ट हो जाता, किसी भी रेसिपी को देखो, अरे पनीर की सब्ज़ी ऐसी ही बनती है बाबा। और एक टमाटर डाल देना, पनीर या नॉर्मल सी सब्ज़ी या ये लोग चाहे तो मेरी रेसिपी ट्राई करें या नहीं करें। यहाँ पे सब्ज़ी बन टमाटर वमाटर डालकर आप अच्छे से इसको मिक्स कर लो और बढ़िया से मिक्स करो। उसके बाद आप मसाला डालना, जो बेसिक मसाला है गोलकी, रेड पाउडर, धनिया और टर्मरिक पाउडर, चार मसाले मैं रख दी हूँ। मैं अकेले हाथ से वीडियो बनाती हूँ गाइस, इसलिए मैं मसाला नहीं डालते हुए आप लोग को दिखा सकती। आप लोग इतना समझ जाना कि बेसिक मसाले आपको जो पसंद है, लहसुन अदरक अलाना फलाना जो भी पसंद है डाल देना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बस इतना अच्छा बनाना कि खाने के लिए स्वाद रहे। अगर मेरा रेसिपी से भी बनाओगे तो खाना एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास बनेगा, ये तो मेरा गारंटी है। उसके बाद आप लोग आके कहोगे कि मस्त बनाई सिखाई थी रेसिपी। तो देखिए मसाला डल गया है और यहाँ पर हमें सब्ज़ी को चला लेना। एक चीज़ आपको मैं अच्छे से बताती हूँ कि सब्ज़ी को हमेशा स्टीम करके पकाना है, क्यों? स्टीम से पानी छूटता है और स्टीम से अपने पानी में कुक होता है। और आप देख लीजिए मेरा सब्ज़ी कितना अच्छा स्टीम पानी छोड़ेगा और बहुत लाजवाब सा, मतलब बहुत लाजवाब सा सब्ज़ी बनता है। तो मैं अभी तो इसके बाद 2 मिनट इसको ढककर रेस्ट करवा देना है। मैं 2 मिनट का कह दी थी कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करवा देना है। फिर देखिए पानी हल्का हल्का छूट चुका है और सब्ज़ी पक रही है। उसके बाद मैं आप लोग के लिए, ये नहीं हो कि मैं जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं डालती हूँ वो नहीं आपके लिए नहीं बता, इसके लिए कस्तूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसलिए मैं हाथ में ले ली कस्तूरी मेथी, अब इसको मैश करूँगी और सब्ज़ी में मैं डाल दूँगी। मेरा खाना टेस्टी इसी कारण बनता है कि मैं कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल बहुत करती हूँ और जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो। और यहाँ पे थोड़ा मैं कट 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 कर रही हूँ क्योंकि शिमला मिर्च कभी कभी कच्चे भी पड़ जाते हैं। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, इतना ही पानी डालेंगे इतना ही में हम लोग का पक जाएगा। तो यहाँ पे चपाती झपसी ना हम लोग लगा देते हैं कि रोटी बन जाए और सब्जी खा लेते हैं सब्जी के लिए। तो यहाँ सब्जी देखिए यही होता है मेरे साथ, नई नई कुकिंग हूँ, मुझे उतना कुकिंग नहीं आता, बट जितना आता आप लोग के साथ मैं जरूर शेयर करती हूँ। तो ये देखिए सब्जी को यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप ब्लैक ब्लैक सोच रहे होंगे, नहीं ये ब्लैक ब्लैक नहीं है, टमाटर जब पकती है ना तब ऐसी ही है। और मैं कोई लाइट यूज नहीं कर रही हूँ, बस बढ़िया सा फर्स्ट क्लास आपके लिए सब्जी है रेडी बन गया। और नमक डाल देना जरूर है, नमक मैं आपको नहीं बताई थी, पानी डालने के बाद ही नमक डाला जाता है, पहले नहीं डाला जाता है। तो ये मेरी सब्जी सी बन गई और तैयार हो गई है, मेरी शिमला मिर्च की सिंपल सी टमाटर शिमला मिर्च की सब्ज़ी समझिए, सिंपल सी प्यारी सी ये सब्ज़ी है। आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।